गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। कल हमने फर्स्ट चैप्टर अपना शुरू किया था, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर से पहले हम कैसे कैलकुलेट करते थे और फिर हमें कब कंप्यूटर की नीड हुई, तो पहला कौन सा बना था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, ये हमने कल सब किया था, याद है ना सबको। तो आज बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। जब पैस्किलिन में भी प्रॉब्लम हुई तो उसके बाद एक और कंप्यूटर इन्वेंट किया गया, एक किया गया था 1822 में, डिफरेंस इंजन, ये वाला, और उसके बाद 1833 में एनालिटिकल इंजन। ये दोनों के दोनों किसने इन्वेंट किए थे? चार्ल्स बैबेज ने। चार्ल्स बैबेज के बारे में किसी को पता है कि कौन है? चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जितनी इन्वेंशंस की हैं वो कोई और नहीं कर सका, इसलिए उनका नाम जो है फादर ऑफ कंप्यूटर भी है। तो उन्होंने दो इंजन्स ये इन्वेंट किए थे। इनका मेन क्या था, इसमें आप इनपुट आउटपुट मेल स्टोर एंड कंट्रोल, जो इसमें फाइव यूनिट्स थे जिसके थ्रू हम कोई भी कैलकुलेशन या कोई भी हमने जो भी सॉल्यूशन निकालना होता था वो निकालते थे। और जो हमारा आज के जितने भी बेसिक्स के कंप्यूटर्स हैं ना, उनका जो एक बेस है वो एनालिटिकल इंजन है। अब जितने भी कंप्यूटर बनते हैं वो इस बेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है? ये पता चल गया ना, दो इंजन इन्वेंट हुए थे, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। किसने किए थे? चार्ल्स बैबेज ने 1822 एंड 1833। उसके बाद जब आप में और थोड़ा सा इन्वेंशंस होती रहती हैं, हर किसी चीज़ में कुछ कमियां निकलती हैं, तो जब एक चीज़ में कमी रह जाती है तो वो इन्वेंशन का नाम लेती है। उसके बाद 1850 में एक और इन्वेंशन की गई थी, वो किसने की थी? जॉर्ज बुली बुलियन लॉजिक। जॉर्ज बुली कौन थे? एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मॉडर्न सिम्बोलिक लॉजिक निकालने में हेल्प की थी, जिसका आजकल हम किस नाम से जानते हैं, जिसको बूलियन अलजेब्रा, वो नेम उसका बहुत फेमस है। उसमें क्या था, उन्होंने एक डिजिटल कंप्यूटर सर्किट इन्वेंट किया था, जो कि हमारी पॉजिटिव, जो हमारी मैथमेटिशियन आपको कल बताया था ना कि बेसिक्स होते हैं, जैसे नंबर्स होते हैं, आपने कभी भी देखा हो कंप्यूटर जितनी भी कैलकुलेशन करता है वो जस्ट ज़ीरो एंड वन में करता है, वो अपने कैलकुलेशन के लिए और कोई डिजिट यूज़ नहीं करता। आप जितने मर्जी डालो बट उसके सिंबल्स अपने होते हैं, वो ज़ीरो और वन की लैंग्वेज ही संभलता है। तो जो ये इन्वेंशन की गई थी ये किसने की थी? जॉर्ज बुली बुलियन लॉजिक्स ने। इसके बाद 1880 में टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंट किया गया था, ये पिक्चर में आपको दिख रही है ना टेबुलेटिंग मशीन, ये किसने किया था? डॉक्टर हर्मन ने। डॉक्टर हर्मन कौन थे? एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने, इसके अंदर क्या क्या होता था, हम ये चीज़ तो चलो हमने कैलकुलेशन के लिए अब तक सारे इन्वेंट कर लिए, बट उसके बाद हमें, जैसे अब के कंप्यूटर्स में होता है कि आप कोई चीज़ इनपुट करते हो, उसके बाद उसकी रीडिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद आउटपुट निकलता है, वो कब हुआ था शुरू? टेबुलेटिंग मशीन में। इसके अंदर पहले रीड किया जाता था डाटा को, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती थी और फिर जो आउटपुट है वो पंच कार्ड के थ्रू रिज़ल्ट निकलता था। इसके बाद वो 1880 में जब वो भी हो गया, देन 1946 में एक और इन्वेंशन की गई, ये मैक्सिमम वैसे आज के कंप्यूटर्स के लिए सबको पता होगा, ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स। ये किसने किए थे? जोल्ट मुथली एंड जे प्रेस्पर एक्कर्ट ने। ये जो थे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे। अगर आपको कोई भी ये क्वेश्चन करे कि आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और कब इन्वेंट किए गए थे? 1946 में। इसके अंदर कितने वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे? 18,000। 18,000 पता ना, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे, जिसका मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर थे। इसका साइज़ आप देख के देख सकते हो कि जब कितना बड़ा साइज़ बना रखा है, यही रीज़न था इसका साइज़ भी इतना इंक्रीज़ हो गया था। जब 46 में ये हो गया, देन हमें 1951 में एक और इन्वेंशन की गई थी, वो थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ये था, ये कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो हमारी कंपनीज वगैरह यूज़ करती हैं ना, उनको हम कमर्शियल बोलते हैं, जो किसी भी कमर्शियल काम में लगे हैं। तो कमर्शियल यूज़ के लिए जो इन्वेंशन की गई थी वो क्या थी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया ना कि अब तक कौन कौन सी इन्वेंशन की गई थी। आपको पिछले 2 दिन से सब बताया है, पहले अबैकस, देन नेपियर बॉन्स, पेस्किलिन, डिफेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, जॉर्ज बुलीज इंजन, उसके बाद टेबलेटिंग मशीन, देन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर्स, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो अभी आपने जस्ट इन्हीं के नेम और ये कौन से किस टाइम में इन्वेंट किए गए थे, कौन से सन में इन्वेंट किए गए थे, जस्ट आपको यही रिवाइज करना है। कल हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही, आप जितने इन्वेंशन हुए थे आप उन्हीं को एक बार रिवाइज करो और उनके टाइम एंड उनके क्या क्या किस किस ने इन्वेंट किए गए थे, जस्ट वही रिवाइज करो। ओके, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी, बाय।